बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस अधीक्षक अगम जैन के साथ मिलकर एक अभियान चलाया, जिसमें यातायात, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की अपील की। इसका लाइसेंस करवाया? इसका है? आपका लाइसेंस नहीं है, फिर क्यों चला रहे हैं? गलत बात है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब आप कल से पहले रिक्शा बंद करो, पहले आप लाइसेंस लो, इसके बाद आप रिक्शा चलाओ, मदरा पी करके नहीं चलाओ, 6 से ज्यादा ओवरलोड नहीं। ये बहकता बहुत है, हल्का वाहन है, ये बहकता बहुत है धाम पर आने वाले। आपका नाम रईस खान है, इसलिए आपको और ज्यादा जिम्मेदारी निभानी। SDOP सब लोग थे, उनके साथ मिलकर के ग्राम पंचायत समिति गड़ार ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती ग्राम पंचायत ने, और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरापान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो? चंद्रनगर से। क्या नाम है? रफीक नाम है। लाइसेंस है? अब मीडिया भी वहां से नहीं है, और 4 महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं।